नामांकन दाखिल करने पहुंचे, हम इनसे बात करेंगे इस बार क्या कुछ तस्वीरें मंत्री जी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? लोगों का उत्साह और लोगों की आशाएं, वो आशा के विकास का नया स्वरूप वो देखना चाहते हैं, हर खेत तक पानी और हर राष्ट्रवाद, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कितनी शुरुआत रैली की कहां से हुई थी, कितनी संख्या में लोग आज आपके साथ में हैं? अब संख्या तो आप हिसाब लगाएं, मुझे तो पता है कि लोगों का उत्साह है और हम सीधा रतनगढ़ से शुरू हुए, नीमच में फॉर्म दाखिल। तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पर रैली के रूप में जो है बड़ी संख्या में सकलेचा जी वाहन पर सवार है, बाइक पर आपको दिखाना चाहूँगा, सकलेचा जी जो है वाहन पर सवार है, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, वाहनों पर सवार होकर लोग जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर सर्वानिया महाराज की तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो लोग वाहनों पर रैली के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए मंत्री सकलेचा पहुँचेंगे, जावत भाजपा कार्यालय से और लोग वाहनों पर शामिल होंगे और वाहन रैली के रूप में रैली की शुरुआत जो है, इस रैली की शुरुआत हुई थी रतनगढ़ के बालाजी मंदिर से, आशीर्वाद लेकर मंत्री सकलेचा नामांकन दाखिल करने के लिए निकले हैं, हर जगह से लोग इनके साथ वाहनों पर सवार होकर जुड़ते चले जा रहे हैं। तस्वीरें सर्वानिया महाराज की है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इनके साथ नामांकन दाखिल करने के लिए वाहनों पर सवार होकर निकल रहे हैं, मंत्री सकलेचा खुद वाहन पर सवार है, जावत जाएंगे, जावत से और इनके समर्थक इनके साथ में होंगे, जहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए आज नीमच जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ किस प्रकार से ये तस्वीरें जो है, तस्वीरें हैं नीमच के सर्वानिया महाराज की, जहाँ पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जावत विधानसभा के ओम प्रकाश सकलेचा नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, वाहन रैली में बड़ी संख्या में लोग हैं, जावत रैली जाएगी, जावत से नीमच पहुंचेंगे, जिसके बाद आज मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। हालांकि चुनावी तस्वीरें क्या होगी ये तो आने वाली 3 तारीख को परिणाम ही बताएंगे।